खबर उज्जैन से, दादा ने पोते पर तलवार से हमला किया, लाइव वीडियो जमीन विवाद में हुए हमले में पोते ने भागकर जान बचाई। जमीन विवाद में एक बुजुर्ग दादा ने अपने पोते पर तलवार से हमला करने का प्रयास किया। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया। पोते ने दादा के खिलाफ पुलिस को शिकायत की, पुलिस अब मामले में कार्रवाई कर रही। नागझीरी थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग दादा सेवाराम आंजना ने अपने पोते आदर्श आंजना पर तलवार से हमला किया। हालांकि इस दौरान पोते आदर्श आंजना और उसके दोस्तों ने वहां से भागकर जान बचाई। खेत पर हुए इस घटना का मोबाइल से बनाया वीडियो भी सामने आया। आदर्श आंजना ने बताया, ग्राम लालपुर में उसके दादा सेवाराम आंजना के नाम पर 34 बीघा जमीन है। दादा ने यह जमीन किसी और को लीज पर दे दिया। आदर्श ने जब दादा से उसे लीज पर जमीन देने के लिए कहा, दादा ने उसे चर्चा करने के लिए खेत पर बुलाया था। इसके बाद वो खेत पर गांव के ही मोहन बना और आकाश के साथ पहुंचा था। इस दौरान विवाद करते हुए दादा सेवाराम ने ट्रैक्टर पर रखी तलवार निकाली और मुझ पर हमला कर दिया। डी साहब, एक मामला सामने आया है जिसमें दादा ने पोते को तलवार मारी, जमीन विवाद के मामले में क्या पूरा मामला? हाँ, एक लालपुर क्षेत्र का मामला है, सेवाराम है उनका पोता है आदर्श आंजना, तो उनके बीच में थोड़ा जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है जिस पर से आज दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है। क्या घटनाक्रम रहा था वहाँ पर, क्या हुआ? वहीं वो जो सेवाराम है अपनी जमीन पर शायद ट्रैक्टर चलाने गए थे और जो उनका पोता है आदर्श वो भी जमीन पर गया हुआ था, तो उनको भी कहाँ सुनी जमीन को लेकर हुई है और उसमें मारपीट हुई है। अभी घटना की तस्दीक कर रहे हैं। तलवार भी मारी है दादा ने, उसका एक वीडियो भी सामने आया है। हाँ, अभी बताया है फरियादी ने ऐसा कि तलवार से भी हमला किया है, उसी की तस्दीक कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।